अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा उस वर्कआउट मिस्टेक का जो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी वर्कआउट मिस्टेक है और ये 90% लोग करते हैं। ये वर्कआउट मिस्टेक लोग डिलिबरेटली नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, ये उनसे जाने अनजाने में होती है, उनको इस बात का पता ही नहीं होता। अब देखें, जब भी आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप वर्कआउट करें, जो आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें, वो कौन से मसल ग्रुप को ट्रेन करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप कर्ल्स करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मसल जो हिट हो रहा है वो बाइसेप है। अगर आप ट्राइसेप एक्सटेंशन करें तो उसमें जो प्राइमरी मसल हिट हो रहा है वो ट्राइसेप है। बेंच प्रेस में चेस्ट है। उसी तरीके से जो बॉडी वेट एक्सरसाइज है उसमें आपको पता होना चाहिए कि लेट्स से आप लंजेस करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो प्राइमरी मसल हिट हो रहा है वो लेग्स हैं। अब हम बगैर टाइम जाया किए चलते हैं अपनी वर्कआउट मिस्टेक के ऊपर। अब मेरे पास बारबेल तो है नहीं, डंबल्स तो है नहीं, तो मेरे पास ये एक बॉटल है। लेट्स सपोज ये डंबल है, तो अब इसको डंबल की तरह ट्रीट करते हैं। अब अगर आपको शोल्डर प्रेस लगानी है, मैं बताता हूँ कि आपको लगानी कैसे है। अगर मुझे शोल्डर प्रेस लगानी हो, आई विल होल्ड माई डंबल्स लाइक दिस। मैं आराम से ऊपर लेके जाऊंगा, मैं आराम से नीचे लेके आऊंगा ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकूँ, स्क्वीज कर सकूँ, उस मसल को फील कर सकूँ, ताकि मेरी मसल ग्रोथ भी अच्छी तरह हो, मेरी मसल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो और मुझे उस वर्कआउट का फायदा तो हो। 99% लोग बोलते हैं कि यार मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो इसलिए नहीं पड़ा भाई, अब लगा नहीं सही रहे। नाउ आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कि वर्कआउट मिस्टेक एक्चुअली है क्या। दैट इज यूजिंग टू मच मोमेंटम। जब आप बहुत ज्यादा मोमेंटम यूज करते हैं, देखें चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं। मैंने अगर बाइसेप कर्ल्स करें, बाइसेप कर्ल्स जो हिट करते हैं वो करते हैं बाइसेप के लिए। बाइसेप कर्ल्स ये वाली एक्सरसाइज होती है, आप लोगों को अगर नाम से नहीं पता तो जहां पे आप डंबल्स पकड़ लें या रॉड पकड़ लें, बारबेल पकड़ लें एंड यू डू दिस। ठीक है, टू बी वेरी सिंपल। अब मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं इस तरीके से। अब साइड से आपको दिखा दूं तो इट्स लाइक दिस। होता क्या है, जब मुझे करनी है, अगर मुझे सही तरीके से करनी है, प्रॉब्लम क्या है, विद मोमेंटम एंड विदाउट मोमेंटम। जब मैं विद मोमेंटम कर रहा हूँ तो देखें, जब ये मैं इस तरीके से उठा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं फील नहीं कर रहा मसल को, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं स्क्वीज नहीं कर रहा, तो मसल ग्रो कहाँ से करेगा। मसल की ग्रोथ ही नहीं हो सकी, क्योंकि मसल की डेवलपमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, अब मैं करता हूँ विदाउट मोमेंटम, तो मैं स्लोली इसको ऊपर लेके आऊँगा, आई विल स्क्वीज इट। पास आके भी दिखा देता हूँ, मैं स्लोली लेके जाऊंगा, आई विल स्क्वीज इट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरीके से मसल सही तरीके से वर्क होगा। अब अगर मैं रॉड पकड़ के या मैं बारबेल पकड़ के या मैं डंबल पकड़ के अगर मैं इस तरीके से करना शुरू हो जाऊं, लोग क्या करते हैं, लोग इस तरीके से डंबल्स उठा रहे होते हैं, आई सी देम वर्किंग आउट इन द जिम। आप अगर बॉडी वेट भी करें हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है कि आप करते हो। तो ये देखें, अगर आप इस तरीके से करें तो हो क्या रहा है, मेरी लोअर बैक पे भी प्रेशर आ रहा है। जब मेरी लोअर बैक पे प्रेशर आएगा तो मेरी लोअर बैक में दर्द उठेगी। ठीक है, मुझे शोल्डर की भी इंजरी हो सकती है अगर मैंने वेट बहुत ज़्यादा उठाया। लोग ईगो लिफ्टिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट डाल लेते हैं जो आप उठा ही नहीं सकते। भाई आप उतना उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। तो लोग इस तरीके से उठा रहे होते हैं वेट, कमर पे प्रेशर आ रहा है। वर्कआउट तो आपके आर्म्स का होना था, तो आपकी बैक का क्यों हो रहा है। ठीक है, आपको याद है मैंने शुरू में आपको बोला था कि जो वर्कआउट आप करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मसल ग्रुप को वो टारगेट कर रहा है। वो मैंने क्यों बोला था, तो मैं अब बताता हूँ। देखें, माइंड मसल कनेक्शन एक चीज़ होती है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं माइंड मसल कनेक्शन। वो हम क्यों करते हैं, जब हम कोई भी वर्कआउट करें, लेट्स से मैं अगर बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से मैं बेंच कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आई एम वर्किंग माई चेस्ट। जब मैं अपने चेस्ट पे कर रहा हूँ तो मेरा माइंड मेरे चेस्ट के साथ कनेक्टेड है। बाइसेप का कर रहा हूँ तो मुझे पता है ये जो एक्सरसाइज है ये मेरे बाइसेप पे कर रही है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बाइसेप पे वर्क हो रही है। मैं कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से कर सकूंगा, मैं स्क्वीज अच्छे तरीके से कर सकूंगा। अब बहुत ज़्यादा मोमेंटम यूज़ करने का ये तो ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया कि आपके मसल ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है, वो ये है कि आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ, इफ़ आई एम एक्चुअली कंट्रोलिंग द वेट, मैं वेट को कंट्रोल कर रहा हूँ, वेट मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा, मोमेंटम में पता है क्या हो रहा है, आप अगर शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं तो आपका वेट आपको कंट्रोल कर रहा है, आप ऊपर लेके जा रहे हैं, खुद ही आपको नीचे लेके आ रहा है, फिर आप दोबारा से उसी तरीके से लगे हुए हैं इस तरीके से। आप क्या करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट परफॉर्मिंग द वर्कआउट करेक्टली। ठीक है, आपको वर्कआउट सही तरीके से परफॉर्म करना है। अगर आप वर्कआउट सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे शोल्डर की इंजरी निकल आएगी, मुझे रोटेटर कफ की इंजरी निकल आएगी, मेरी स्पाइन में कोई मसला निकल आएगा, तो क्यों साइड पे जा रहे हैं, इंजरी पे अपने आप को क्यों ज्यादा प्रोन कर रहे हैं। कोई भी वर्कआउट करते हो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब अक्सर लोग क्रंचेस कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यार हमारी कमर में बहुत ज्यादा दर्द निकल रहा है और हमें लग रहा है कि मसल सोड़ने से। देखिए, मसल सोड़नेस नहीं है, आप एब्स का वर्कआउट नहीं कर रहे थे, आप टेक्निकली अपनी कमर पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे, एब्स
से तो आपके फर्क ही नहीं पड़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुई, वो आपने स्क्वीज ही नहीं किया मसल। तो जब हम वर्कआउट को देखते हैं तो वर्कआउट आपने सही से परफॉर्म किया ही नहीं, वो सही तरीके से हुआ ही नहीं, उल्टा आपने इंजरी को दावत दे दी। तो प्लीज 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 इस गलती से खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, ताकि कोई भी ये गलती ना करे और उनका वर्कआउट सही तरीके से परफॉर्म हो, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म हो, ज्यादा इफेक्टिव हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।